रागनी आपके सामने के आज के समय में साइंस ने सब कुछ बढ़ा दिया, लेकिन लोगों हमने एक चीज घटा दी, कदर। और कदर भी ऐसी चीज की, एक बैल एक गऊ का जाया, उसकी कदर नहीं है आज। और लोगों ये सच्चाई है, जिस दिन इसके कंधे ने सब छोड़ दिया, यह दुनिया टोई नहीं पाओगी। एक जमींदार के एक किसान के एक गऊ माता ने एक बछड़ा दिया, वो बछड़ा 1.5 साल का होया, उसका नाथ गलवा दी। 2 साल का होया, जुआ में ला दिया, और वो बैल जवान हो गया, सारी जवानी उसके खेत कमाया। लोगों वो बैल बूढ़ा हो गया, और पाया तलाचार आंखें तो कम दिखे, और ये नई प्योग शायद नहीं जानती, वो बाहर तो व्यापारी आ करते, और ये हमारे बूढ़े उन्हें मंडा साले का आ करते। वो मंडा साले आगे आके गाल में रुका मारा कि भाई कोई बैल बेच लो। उस किसान ने वो व्यापारी बुलाए और कहा कि भाई इसका मोल 5 करवावेंगे, पहले अपने बैल ने चला के दिखा। लोगों जब उस बैल ने खोलन गया, खूटे का जोड़ा खोलन लग गया, बूढ़े बैल ने खोए पर ठोडी टेक दी, और एक आंसू उसकी आंख से टपक के उस किसान के हाथ पर पड़ा। ऊपर ने देखा, लोगों बूढ़ा बैल परल परल रोन लग रहा, उसके आंसू में एक दर्द था, एक प्रार्थना थी कि मेरे पराक्रम थक गए, देह में जान को न रही, ई मेरे साथ हमेशा व्यवहार मत करे। क्या प्रार्थना करता है, उसके आंसुओं का दर्द क्या कहता है, एक बात के द्वारा क्या बता रहा है। ए रया बुढ़ापा गड़वा करके, फाड़ी बैरी कोई ऊपर ऊपर नहीं चला करती, जितने डूंगा तेरे अड़की फाड़ी
हर तेरे आगे आगे क्यों करता लग करता कदे साटा ठाण का मौका नहीं दिया। दूसरे नंबर पे क्या कहता भला जाडे मतरी जाडे मतरी गे लठरा जाडे मतरी गे लठरा और गाम मगेल जरा करता गोडे ढूंढे अड़की फाड़ी चटकारी गेल चला करता नहीं कदे भी कल ही मनी यो कांदा खूब बड़ा करता जुड़ सा बोया बीज मने तेरा सहसर गुणा भला करता सा बोया बीज मने तेरे सहसर गुणा भला करता तेरे सर सम गेहूं जवान बाजरा सारा दर्दी सुना दूंगा मेरे बेशक मुंह में बोल नहीं सारा दर्दी सुना दूंगा मेरे बेशक मुंह में बोल नहीं हे मालिक आज तक तेरा कमाया कमाया हूँ कभी कुछ मांगा नहीं आज मरते समय मेरा जज की के मेरी अंत समय नजदीक है आपसे एक भीख मांगता हूँ जब आपने मेरे को भीख दे दी तो मेरी तो मुक्ति है ही है हो सकता आपका भी स्वर्ग में साझा होगा मरते समय उस बूढ़े बैल ने अपने मालिक से क्या भीख मांगी इबत तेरे ठाण में पैर पसारू तेरे ठाण में पैर पसारू ये भिक्षा दे जजमान मने आया बुढ़ापा करवा करके साथ में किसा व्यवहार करेंगे हो सकता है मनाथे पले जाके मेरी नाड़ पारा दर दे इससे क्या होगा मेरी जो जननी माता है गौ माता उनकी कोख का लानत तो है ये और ये मत समझना ये पाप आपका अकेले का लगेगा और न्यू हो जाएगा नंबर चार पर क्या कहा बोला We'll be right back.
ना हवाले मत ना हवाले करे मने मत ना हवाले करे मने तू इन बेदर्दी कसाईया के हथे में मेरा गात फसा दे दया नहीं अन्याया के मेरी नाड़ पे आरा दर्दे लग लानत जगनी माया के